तो हेलो गाइस, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं, उसका भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, आप बने रहिए, मैं बताऊँगा आपको कि आप अपने डॉग को खाना देते हैं जो उसमें रोटी ज़्यादा बेस्ट है या फिर चावल बहुत बेस्ट है। आपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा कि वीडियोस बहुत बन रही है भाई इस चीज़ पे, रोटी ज़्यादा अच्छी है या चावल बहुत अच्छे है। तो बहुत सारी वीडियो मैंने सोचा मैं ही बना दूँ एक, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ बिल्कुल ईजी। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। और जो भाई नए हो भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अगर अच्छी लगे तो, और लाइक भी कर देना। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू भाई, और इतना प्यार दिया आप सभी ने मुझे। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको, तो वीडियो देखो आप। तो गाइज, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ क्यों, यूट्यूब पर यूट्यूब खोलते ही भाई इतनी सारी वीडियो आ रही हैं, डॉग को क्या दें, चावल दें या रोटी दें, क्या बेस्ट है क्या नहीं है। तो गाइज, क्योंकि मैं डॉग लवर हूँ, मैं डॉग्स की वीडियो रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड वीडियो देखता रहता हूँ। जो मुझे नॉलेज नहीं है मैं वो और जो यूट्यूबर्स हैं उनके थ्रू लेता रहता हूँ। तो गाइज, मैं डॉग्स पर ही देखता हूँ मैं ज़्यादातर वीडियो यूट्यूब पर, तो मैंने बहुत देखा है। तो गाइज, मैंने सोचा कि मैं ही बनाऊँ आपके लिए एक वीडियो, जिस भाई को समझ में नहीं आ रहा है क्या दे अपने डॉग को खाना, तो मैं ये वीडियो बनाई है। तो भाई, किसी की वीडियो देखो तो कोई कहता है भाई डॉग डॉग को रोटी ज़्यादा बेस्ट है, कोई कहता है चावल ज़्यादा बेस्ट है। तो भाई, मैं सिंपल सी आपको बात समझा देता हूँ कि भाई देखो, अगर आप अपने डॉग को रख रहे हो, रॉयल कैनिन दे दो या फिर कुछ भी दे दो, बट मैं कह रहा हूँ कि आप उसको घर के खाने पर भी लेके आओ एक बार, क्योंकि पता नहीं है भाई कल क्या हो जाए, आप उसको महंगा फीड दे पाओ या ना दे पाओ ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई। बहुत बहुत हो जाता है यार, कभी कुछ हो जाता है, घर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो गाइज कई बार फिर डॉग की वो आदत हो जाती है, वो छोड़ नहीं पाता। तो गाइज, मैं बता दूँ आपको, डॉग को घर के खाने पर जरूर रखना है। तो गाइज, बहुत कम पैसे लगते हैं, आप उसको देख सकते हो, मेरे होममेड डॉग फूड वाली वीडियो देख सकते हो, आप अपने डॉग को होममेड फूड दे सकते हो। तो गाइज, मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। तो गाइज, कोई बताता है कि रोटी बेस्ट है, कोई बताता है चावल बेस्ट है। तो भाई, मैं बता दूँ इजी लैंग्वेज में कि भाई, अगर आप डॉग को कुछ खाने को दे रहे हो तो उसके लिए सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं है रोटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर चावल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई, दोनों चीज़ अपने अपनी जगह बहुत अच्छी है डॉग के लिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई तुम रोटी रोटी दो, ऐसे नहीं कह रहा कि भाई चावल चावल दो। और डॉग को अगर भी खाना दे तो बदल बदल के देना चाहिए, क्योंकि उसका खाने खाने में इंटरेस्ट बना रहता है। और आपके साथ भी हुआ होगा, जो भी डॉग लवर है आपका, डॉग खाना खाना छोड़ गया होगा, तो उसका रीज़न यही है कि भाई आप एक ही खाना एक दिन में 3 बार 2 बार देते रहते हो, डेली वही देते रहते हो, तो गाइस डॉग थक जाता है वो आपका और वो खाना छोड़ जाता है। तो गाइस, मैं बता दूँ, जितनी इंपॉर्टेंट रोटी है देना उतना इम्पोर्टेंट चावल है, जितना चावल इम्पोर्टेंट है उतना ही रोटी भी इम्पोर्टेंट है। और गाइस, मैं बता दूं आपको, रोटी और चावल प्लीज देने चाहिए अपने डॉग को, और एक कटोरी दही जरूर देनी चाहिए अपने डॉग को, जिससे उसका हेल्थ बनी रहे। दही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई उनके लिए। अगर छाछ, जिसे लस्सी बोलते, तो गाइस वो भी आप ऐड कर सकते हो अपने डॉग के फूड में, वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं दूध मिल्क जो होता है भाई, दूध में उसकी तो कहता नहीं हूँ, बट आप लस्सी और दही से भी अपने डॉग की हेल्थ बना सकते हो, अगर आप सही से अपने डॉग को खाना दोगे तो। गाइज, मैंने आपका जो आपके दिमाग में थी प्रॉब्लम कि भाई क्या दें क्या ना दें, तो मैंने वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और भाई, किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है भाई, कोई पागल बना रहा, कोई कह रहा है ऐसे दे दो, कोई कह रहा है ऐसे दे दो। तो गाइज, अगर अपने डॉग को खाना दो तो ये नहीं है कि भाई वीडियो देखी यूट्यूब से वो खाना दे दिया, आप पहले उसको समझो, किसी से पूछो, आसपास कोई डॉक्टर हो एनिमल डॉक्टर तो उनसे बात करो कि भाई ये है मैं दे दूँ। तो गाइस, पूरा पूछ कर देना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे नहीं है कि भाई सब सच बताते हैं, फेक भी बनाता है, और आप उनकी बात मान के दे दोगे और आपके डॉग की लाइफ की बात है भाई, वो उसको कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप
किसी पे भरोसा मत किया करो, आप पूरा पहले जान लिया करो कि ये देना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने कह रहा कि मेरे ऊपर विश्वास करो भाई, आप पूछो अपने तो आप दे सकते हो खाना। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई अपने डॉग को होममेड फूड पे रखो, क्योंकि होममेड जो खाना होता है भाई वो भी बहुत अच्छा होता है। आप उस वो खिला के भी आप अपने डॉग की हेल्थ बना सकते हो। मैंने बहुत से डॉग देखे हैं जो जिसने अभी तक डॉग फीड आज तक खाई भी नहीं है और उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है। तो गाइज आप ट्राई कर सकते हो अपने डॉग के साथ। अगर पप्पी को ही आप आदत डालो कि होममेड फूड खाने की तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने में। अब खा तो लेगा, बड़ा है अगर एडल्ट है, पर थोड़ी करेगा गाइज वो नु खाएगा, करेगा ऐसे कि खाएगा नहीं, ये करेगा लेट खाएगा। तो गाइज आप अपने डॉग को आदत डाल सकते हो। और मैंने बता दिया रोटी और चावल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये क्या करो, सुबह आप दे दो दलिया, दिन में आप दे दो चावल उबले हुए, और रात में आप दे सकते हो रोटी। क्योंकि रोटी मैं ऐसे बता रहा हूँ शाम को क्यों देनी चाहिए, क्योंकि रात हो जाती है भाई, दिन में तो 3 टाइम खाता है, रात को लंबा हो जाता है। दलिया भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और चावल भी, और रात को भूख ना लगे इसलिए रोटी दे दो, जिससे उसका पेट भरा रहे सुबह तक और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप एक कटोरी दही किसी भी टाइम दे सकते हो, अगर सुबह दो तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर सुबह ना हो आपके पास दोपहर में दे सकते हो दोपहर में भी दो। तो गाइस ये वीडियो जो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।